वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ मिसलेनियस प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट के प्रश्न होंगे, विभाज्यता प्रमेय के प्रश्न होंगे और शेषफल प्रमेय के प्रश्न होंगे। ये हम लोग का क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लास कर लिया है कंप्लीट। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, UPPCS टॉपिक वाइज मैथ्स को सर्च कीजिएगा और वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारी टीम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये टीम का नंबर है, आप इन नंबर्स पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। ये @StudyForCivilServices सर्च करके टेलीग्राम पर आप हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, सभी प्रकार के नोटिफिकेशन अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है। यदि 7 अंकों की संख्या, यहाँ पे नंबर दिया गया 56 से विभाज्य, तो वाई के सबसे बड़े मान के लिए x² + y का मान बताइए। देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ये नंबर है ना, ये 56 से विभाज्य, 56 से विभाज्य का मतलब पता है क्या, ये संख्या 7 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। इसमें आपको 8 और 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। देखिए, 8 की विभाज्यता मैंने बताया कि लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं, लास्ट का जो 3 डिजिट होता है ये 8 से कटेगा, लेकिन 3 डिजिट कब देखना है, जब सैकड़ा मतलब जो 100 प्लेस रहेगा ये ऑड रहेगा तब। अगर 100 प्लेस इवन है तो दो ही डिजिट आपको देखना है। देखिए, यहाँ पे 2y4 है, 100 इवन है, इसका मतलब ये दो डिजिट 8 से कटना चाहिए, तो दो डिजिट 8 से कटेगा, 8 का पहाड़ा पड़ेंगे, 8 3 24 होता है और 8 28 64 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि वाई का सबसे बड़ा मान चाहिए, मतलब हम दो को नहीं लेंगे। वाई बराबर कितना मिल गया, वाई बराबर 6 मिल गया, इसको हमने साइड में रख लिया। अब हम लोग निकालेंगे x की वैल्यू। ठीक, देखिए, अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे y बराबर 6 आ चुका है, इसको हम साइड में रखते हैं। अब देखिए, x 8 9 4 2 6 4 है ना, यहाँ पे आपको 7 की डिविजिबिलिटी देखना है, तो इसका दो तरीका है, चाहे तो आप राइट साइड से 3 3 का पेयर देख लीजिएगा या फिर इसके अतिरिक्त आप एक एक डिजिट को भी चेक कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम निकाल के दिखाते हैं आपको कैसे आएगा। अगर 3 3 के पेयर वाले को देखेंगे तो देखिए, x प्लस 264 माइनस 894, इसका जो डिफरेंस होगा ये 7 से डिविजिबल होगा, तो आप डिफरेंस निकाल लीजिएगा, आपको मिलेगा देखिए x और माइनस 630, ठीक है, डिविजिबल बाई 7। देखिए, ये पूरा का पूरा कटेगा। अब पूरा का पूरा कटने का मतलब है, देखिए यहाँ पे ये आपका पूरा कट रहा है, मतलब जो x है ना ये भी क्या होगा, 7 का मल्टीपल होगा, 7 14 21 ऐसे होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 7 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि x एक सिंगल डिजिट होने वाला है, तो x की वैल्यू आपको 7 मिल गई। आपने ये राइट साइड वाले मेथड से किया, बाकी आप बेसिक से भी देख सकते हैं। देखिए, डिविजिबिलिटी का बेसिक क्या बोलेगा, x बराबर 6 आया है, x बराबर 7 आया है और y बराबर 6 आया है, x बराबर 7 और y बराबर 6। देखिए, अगर बेसिक तरीके से हम हल करेंगे तो x 8 9 4 2 6 4, देखिए तरीका क्या होता है, 4 का डबल 8 हो जाएगा, 8 को यहाँ से घटाएंगे, है ना, जब घटाएंगे तो आपके सामने ये मिलेगा 18 4 9 8 और x, फिर 8 का डबल 16 हो जाएगा, 16 को यहाँ से घटाएंगे तो आपको मिलेगा 25 9 8 4, फिर यहाँ पे देखिए 5 का डबल 10 होता है, 10 को घटाएंगे तो यहाँ पे ये x है, ठीक है, 10 को घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा 82 8 और x, ठीक है। देखिए, यहाँ पे 2 का डबल हो जाएगा 4, है ना, x 8, ठीक है, और यहाँ पे 88 और यहाँ पे 4 घटाएंगे तो यहाँ पे आपको 84 मिलेगा, 84x, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, 4 का डबल कितना होता है, 8 होते हैं, 8 को घटाएंगे 0 मिलेगा, 0 का मतलब यहाँ पे कुछ भी आपको रखना है जो 7 का मल्टीपल हो, तो x बराबर 7 यहाँ से भी मिलेगा, तो आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों मिल गई। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर मतलब 7 7 49 और प्लस वाई का मान है 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 55। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा होता कि x के छोटे मान की बात कीजिए तो 49 में आप 2 जोड़ते और आपका सही आंसर हो जाता है 51। तो ये पहला प्रश्न रहा, हम लोगों ने एकदम विस्तार से डिस्कस कर लिया इसका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया, जब 200 को धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है तो शेषफल 8 आता है, x के कितने मान संभव है। देखिए, 200 है, अब एक धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक क्या है नहीं पता, x है ना।
आप इससे भाग देते तो 8 शेषफल आते। देखिए 8 शेषफल का मतलब क्या है कि 200 को जब किसी एक्स से भाग दिया जाता है तो आपका रिमाइंडर 8 बज रहा है। 8 बजने का मतलब पता है, यहाँ पे 200 में से 8 माइनस करेंगे ना, अगर 192 होता है ना तो ये यक्स से कंप्लीट डिविजिबल होता। अब डिविजिबिलिटी में एक चीज आपको पता है कि ये 192 के जो फैक्टर होंगे यही इसको काटेंगे। देखिए 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। अब 5 की डिविजिबिलिटी नहीं लगेगी, 6 की बात करेंगे तो देखिए आपका ये 6 से भी कट जाएगा। 7, 8 की अगर बात करेंगे तो 8 × 2 = 16, 8 से भी कट जाएगा, है ना। 9 की बात करेंगे नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा। 11, 12 से, 12 से भी कट जाएगा, है ना। 12 के बाद 18 से नहीं कटेगा, 24 से कट जाएगा, है ना। 24 के बाद 48 से कटेगा, 48 के बाद इसकी डिविजिबिलिटी निकाल लीजिएगा जितना भी आएगा। देखिए 48 के बाद और किससे कटेगा, है ना, 12 24 12 36, है ना, 48 से कटेगा। 48 के बाद रुके, 192 के फैक्टर्स हम चेक कर लेते हैं किससे किससे कटेगा। 48 हो गया, 48 के बाद 192, है ना। यहाँ पे देखिए 2 × 3 = 6 हो गया, 4 × 3 = 12 हो चुका है, 6 × 4 = 24 हो चुका है, 6 × 48 हो गया, 12 × 8 = 96 से कटेगा, है ना। 96 के बाद 192 से कटेगा। अब देखिए जब भाग दिया जा रहा है रिमाइंडर शेष कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। इसका मतलब कि इतने तो नहीं होने वाले। क्यों नहीं होने वाले, क्योंकि ये सब शेष में चले जाएंगे, है ना। अब देखिए वैल्यू क्या क्या है, 1 2 3 4 5। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा बी। देखिए ये सब क्यों कैंसिल हो गए, क्योंकि अगर 8 शेष बच रहा है ना, इसका मतलब जो भी आपका भाजक होगा वो हमेशा 8 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे इसके संभव मान 5 मिलेंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला ये है, निम्नलिखित का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है इसमें, इकाई अंक फाइंड करना है कि इकाई अंक क्या होगा। देखिए इकाई अंक निकालने के लिए आपने पढ़ा है कि जब कभी भी हम इकाई अंक निकालेंगे पूरा कैलकुलेशन इकाई अंक के आधार पर किया जाएगा। तो देखिए 3 के पावर 24 −7 के पावर 38 और +6 के पावर 54। अब इकाई अंक के कुछ डेटा को याद कीजिए। देखिए जब कभी भी पावर 4 से बड़ा होता है तो 4 से भाग करते, तो 3 के पावर 4 से भाग करेंगे, 0 का मतलब इसका पावर 4, −7 के पावर यहाँ पर 2 आ जाएगा क्योंकि 36 कट जाएगा, और प्लस 6 का ना हमेशा इकाई अंक 6 ही होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। 3 × 3 = 9 = 81, ठीक है, −7 = 49 और +6। देखिए 6 × 7 = 7 में से 9 गया −2, अब रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं आएगा, −2 है मतलब इसमें आप 10 जोड़ेंगे तो 10 जोड़ते ही आपका आंसर 8 हो जाएगा, इसका शेषफल आएगा 8, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, संख्या 4 5 7 8 9 किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित है। मतलब इसमें ये चेक करना है कि किससे कटेगा, डायरेक्ट डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। देखिए 3 की डिविजिबिलिटी देखेंगे तो 5 × 4 = 9 8 × 7 = 15 3 से हो सकते हैं, ठीक है, 9 से चेक कर लेते हैं। देखिए 5 × 4 = 9 9 8 × 7 = 15 देखिए ये 9 से नहीं कटेगा, देखिए 9 से नहीं कटेगा तो इसका मतलब तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, है ना। अब 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। देखिए 7 की डिविजिबिलिटी आप दोनों में से जो मेथड लगा लीजिए, 4 5 7 8 9 राइट साइड से 3 लिया गया, यहाँ पे 45 है, 0 = 45, तो देखिए 7 8 9 इसको 45 से घटा लेंगे, यहाँ पे बचा 4 4 7, है ना। अब यहाँ पे भाग कर लीजिएगा, 7 × 2 = 70, 7 से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ 3 से कटेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये है, एक माली ने किसी उद्यान में 1936 पौधे इस प्रकार लगाए कि पौधों में पंक्तियों तथा कतार की संख्या बराबर है, पंक्तियों की संख्या बताइए। देखिए 1936 पौधा लगाया गया, अब वो पौधा इस प्रकार है ना कि जो पंक्ति है, जैसे अगर ये मान के चलिए पंक्ति अगर ऐसे 3 है तो कतार भी कितने हैं, 3 है, दोनों बराबर है। इसका मतलब देखिए अगर पंक्ति को x मानेंगे तो कतार भी कितना होगा, x होगा, और बराबर 1936, है ना, x² = 1936। अब यहाँ पे इसका वर्गमूल कर लेंगे तो x = कितना हो जाएगा, ये आपका 44 का वर्ग है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है 44, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगर स्क्वायर आपको याद रहेगा तो थोड़ा आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं रहेगा तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है आपको मैं सॉल्ट कट में सिखा दूंगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किसी पूर्णांक n को 5 से भाग देने पर 2 शेष आता है, यदि 7 n को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए
जब पूर्णांक n को 5 से भाग दिया जा रहा है तो कितना शेष आ रहा है, 2 आ रहा है। अब 7n, देखिए यहाँ पे ना n वही मानेंगे जो आपका रिमाइंडर है, तो 7n मतलब 7 × 2, 7 × 14 को 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे आपका देखिए 2 बार में कट जाएगा, रिमाइंडर आपका 4 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ये इसका तरीका है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिए, नेक्स्ट आपके सामने 7वां क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, जब एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है, यदि इस संख्या का वर्ग 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए कि फलाना संख्या को फलाना संख्या से भाग किया जाता है शेषफल इतना आता है, तो इसके जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी कहेगा आप हमेशा शेष के साथ वो कार्य करेंगे। ठीक, देखिए 14 से भाग देने पे 9 शेष है, अगर इस संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग बोला है ना मतलब 9 का वर्ग कर लेंगे तो 9 का वर्ग हो जाएगा। अब इसको भाग करेंगे 14 से, 9×9=81, 14 से भाग करेंगे, ठीक है 14×6=84 होता है, देखो 14×6=84। अब यहाँ पे ना रिमाइंडर आएगा -3, लेकिन आपने एक बात पढ़ा है कि कभी भी शेषफल आपका नेगेटिव नहीं होता है, जब भी शेषफल नेगेटिव मिलेगा आप भाजक से उसे जोड़ देंगे, तो देखिए 14+-3 तो यहाँ पे इसमें से घट जाएगा 11, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया, 1334×135×1768×230, है ना, इसको 10 से भाग किया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए शेष क्या होगा। देखिए शेष बचने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब कभी भी आपका भाज्य और भाजक एक दूसरे को पूर्णतः विभाजित कर लेंगे तो वहां पर शेष नहीं बचेगा। अगर शेष बचा है ना इसका मतलब भाज्य और भाजक पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहे, तो पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। देखिए 1334×135×1768×230, है ना, इसको अगर हम 10 से डिवाइड करने के लिए देखें तो देखो 0 से 0 कट जाएगा। अब 0 से 0 कट गया मतलब यहाँ पे नीचे आपका भाजक कट चुका है ना, जब भाजक कट चुका है तो रिमाइंडर आने का कोई सवाल ही नहीं, तो इसका शेष कितना आएगा, 0 आएगा, ये पूरी तरीके से विभाज्य, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, दिया गया स्वरूप किस संख्या से विभाज्य। देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा तो इसको करने का सरल तरीका ये कि जो सबसे छोटा पावर रहेगा आप उसको कॉमन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ना 5×71, देखिए क्वेश्चन में लिखता हूँ 5×71+5×72+5×73+5×74+5×75। अब इसमें से क्या करेंगे, 5×71 को बाहर कर लेंगे, जैसे बाहर करेंगे अंदर कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पे इसको 1 मानेंगे, +5×1 बचेगा, +5×2+5×3+5×4, है ना, इतनी चीज़ें बचेगी। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए 5 और ये 1 साथ में जोड़ लेते हैं, 6 हो जाएगा, 6+5×25+5×3=125+5×4=625। अब इन सबको जोड़ेंगे, देखिए 125 और 25 कितना हो जाएगा, 150। अब 150 और 6 156, तो 625 और 156, है ना, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6×5=11, 5×2=7=18, 6×1=7, 781। अब 781 चेक कर लीजिएगा किस संख्या से पूरी तरीके से कटेगा। देखिए 781 की अगर बात करेंगे, 8×7=15, 1×16 कोई मेथड नहीं दिख रहा है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे भाग करके चेक करते हैं। देखिए 781 में 71 से भाग करेंगे, ऐसे आपको दिख रहा होगा ये 11 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा, 71×1=71, 7 बचा 1 उतरा है, 71×1=71, तो 11 बार में कट गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का तरीका यही होता है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको PCS के एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। इसको करने का सॉल्ट ट्रिक यही है, सॉल्ट ट्रिक बोलिए या बेसिक बोलिए जो भी आपको समझना है, इसको सही आंसर लाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर दस क्या बोल रहे हैं कि 335×608×385 को 13 से भाग किया जाता है, आपको बताना है कि शेष क्या आएगा। अब देखिए ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पीछे करा रखा है, पीछे का मतलब देखिए ये जो क्वेश्चन था है ना, यहाँ पे 10 से भाग दिया जाता है तो कितना शेष आता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है उसी मॉडल पर उसी बेसिस पर आधारित ये प्रश्न है ना, बस इसमें यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न अलग लिखा गया। देखिए पैटर्न का मतलब यहाँ पे 13 आ चुका है ना,
और साथ में इसको थोड़ा सा भाग के फॉर्मेट में लिखा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका आंसर आपको कमेंट करना है, कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, जो भी आंसर आएगा आपको अपना आंसर कमेंट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ये है, दो अंकों की कितनी संख्या है जो 3 या 5 से विभाज्य। मतलब दो अंकों की ना कौन कौन सी संख्या है जो 3 से भी विभाज्य और 5 से भी विभाज्य। देखिए दो अंकों की संख्या की बात करेंगे तो 10 से लेके 99 तक इतनी दो अंकों की संख्या होती है। ठीक, 10 से 99 तक। अब 10 से 99 तक में कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य, हमें ये निकालना है। तो देखिए 10 से 99 तक अगर आप लिखेंगे तो आप टोटल लिखेंगे 90 संख्या लिखेंगे। अब 90 संख्या में अगर 3 की विभाज्यता चेक करनी है तो 3 से आप भाग करेंगे तो 30 संख्या ऐसा है ना जो 3 से विभाज्य। ठीक, 30 संख्या ऐसा जो 3 से कट जाएगा। अब वापस से इन 90 संख्याओं में अगर हम 5 की विभाज्यता देखें तो 90/5 है ना, यहाँ पे 18 आएगा, 18 संख्या ऐसा है ना जो किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा। तो अगर हम टोटल देखें तो यहाँ पे 48 आ रहे हैं, आपको लगेगा यही आंसर है, लेकिन ये आंसर नहीं है। देखिए कुछ संख्या ऐसा है ना जो 3 और 5 दोनों से कटेगा, जैसे यहाँ मैं लिखने के लिए दिखा रहा हूँ, देखिए 15 हो गया, 30 हो गया है ना, 45 हो गया, 60 हो गया है ना, 75 हो गया और 90 हो गया है ना। अब ये टेबल आसान था तो हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, बाकी इसको निकालेंगे कैसे, तो इसको निकालने का तरीका है 3 और 5 का मल्टी गुणा कर लेंगे है ना, 15 आ जाएगा। अब लिखेंगे 90/15, आंसर आ गया 6। मतलब 6 संख्या ऐसा है ना जो दोनों से कटेगा। तो देखिए 3 से कटने वाली संख्या 30 है, 5 से कटने वाली संख्या 18 है और दोनों से कटने वाली संख्या 6 है, तो यहाँ पे 6 को माइनस कर देंगे। देखिए माइनस क्यों किया गया, क्योंकि इन 48 में ना कुछ संख्याएं ऐसी जो दो दो बार शामिल है, तो 48 में से 6 गया 42, 42 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दो अंकों वाली 42 ऐसी संख्याएं हैं जो पूरी तरीके से विभाज्य होने वाली है 3 और 5 से। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, रुकिए, चलिए प्रश्न कुछ ऐसा है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 62 है, यदि 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। देखिए जब कभी भी आपको अभाज्य संख्या के बारे में दिया जाए, अगर कभी बोल दिया गया 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या और उसका जो आंसर है वो इवन नंबर आ रहा है, इसका मतलब ना इसमें पहली अभाज्य संख्या 2 को शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया, क्योंकि 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती सब ऑड होती हैं। ठीक, ऑड प्लस ऑड इवन होता है और फिर इवन में अगर ऑड जोड़ेंगे तो ऑड ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसमें जो 62 है ना इसमें 1, 2 को शामिल किया गया, तो 2 को शामिल किया गया। अब 2 को अगर निकाल देंगे तो बची 2 अभाज्य संख्या, मान लीजिए x प्लस y, इसका योग कितना है, इसका योग है 60, क्योंकि यहाँ से हमने तीसरी संख्या को बाहर कर लिया। अब बोला जा रहा है ना कि इसका अंतर जो है, इसका अंतर कितना, अंतर 2 है, x माइनस y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे आप विलोपन लगा लेंगे, x से x कट जाएगा, 2x बराबर 62, तो x बराबर 31, x का मान 31 आ गया। अब y का मान अगर आपको फाइंड आउट करना है तो y का मान देखिए, y इज बराबर 60-31, y का मान आ जाएगा 29। देखिए आपको तीनों प्राइम नंबर मिल चुके हैं, एक प्राइम नंबर है 2, दूसरा है 31 और तीसरा है 29, तो इसमें आपसे क्या पूछा है कि सबसे बड़ी प्राइम नंबर बताइए, तो 31 इसका सही आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन मतलब कुछ और पूछ लेता कि अंतर बताइए, गुणा बताइए, तो भी आप आराम से कैलकुलेट कर लेते क्योंकि आपने पूरा निकाल रखा है। तो आज की ये क्लास रही जिसमें हम लोगों ने नंबर सीरीज के और नंबर सिस्टम के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को हल किया है ना। तो इस प्रकार के वीडियो को लगातार पाने के लिए आप हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ निवेदन है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। और अगर आपने हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, है ना। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको एक एप्लीकेशन दिखेगा जिस पर ये वाला आइकॉन बना होगा, है ना, ये जो एस का आइकॉन दिख रहा है वहाँ पे बना होगा, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। और बीपीएससी 69th का वहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसमें कि आपको 12 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे जो कि लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होगा। आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, बीपीएससी का प्री एग्जाम दीजिए और मेंस में एक सीट सुनिश्चित कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।